गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नील तलाटी और मेरा दोस्त हीरेन चौधरी, हम दोनों PhD कर रहे हैं और आज हम लोग आज ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो आप लोगों को भी पसंद है और हम लोग उसके बारे में कुछ जानते हैं वो हम शेयर करना चाहते हैं। अभी अभी आप लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और सभी सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने देखा है कि चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के ऊपर चीता फिर से नामीबिया से इंडिया के अंदर लाए गए हैं। बट अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड के अंदर भी और हमारे माइंड के अंदर भी, तो हम लोग आज उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इंडिया के अंदर लास्ट 1952 के बाद कभी चीता दिखे गए नहीं है, और जो चीता अभी आपको देख रहे हैं वो नामीबिया से लाए गए हुए हैं। और अभी ये चीता के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जो अफ्रीकन चीता आप लोग देख रहे हैं वो ग्रासलैंड हैबिटेट में जी रहे थे, और इंडिया के अंदर जो पहले भी देखे गए थे वो जो चीता थे वो बेसिकली ईरानियन चीतास थे, और उनका हैबिटेट समवॉट सिमिलर था, वो एशियन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है ईरान, तो उसके अंदर जो आपको देखे गए थे वो एक ईरानियन चीतास है। ओके, बट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस चीतास फ्रॉम अफ्रीका। पहले जो इंडिया में चीते देखे जाते थे जो आपने अभी बताया 1952 के पहले, तो मतलब वो तो एशियाटिक चीता थे और अभी जो लाए गए हैं वो अफ्रीकन चीता थे, तो दोनों में मतलब क्या डिफरेंस रहेगा? जैसे कि हमारे यहाँ एशियाटिक लायन है, वहाँ पे अफ्रीकन लायन से, तो एशियाटिक लायन यहाँ पे ही मिलते हैं देखने को, तो ऐसे देखने जाए तो आपने जो बोला कि ईरानियन जो चीता से, तो अल्टीमेटली वो तो एशियाटिक हुए ना, वो एशिया इज एन बिग कॉन्टिनेंट, तो मतलब ईरान इज अ पार्ट ऑफ एन एशियन कॉन्टिनेंट, वो लाए जाते तो वो लाए जाते तो देयर वर मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस चीतास इन इंडिया। ओके, और जो कोनो नेशनल पार्क जो अभी रिसेंटली नेशनल पार्क जिसको घोषित किया गया है 2019 के अंदर, वो नेशनल पार्क बना हुआ है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है, बट there are only 5% of chance according to the one report of Dr. K. Ullas, who is a great renowned scientist working in India from Karnataka. Okay, these Namibian cheetahs are basically African cheetahs. African cheetahs are little lesser in height in comparison to Iranian cheetahs. Okay. They are lesser in weight in comparison to the Iranian cheetahs. शायद उनके habitat में भी कुछ difference हो। Yes, basically जो Iranian cheetahs है वो desert ecology के अंदर, desert adaptations के अंदर आते हुए हैं, और African के जो cheetahs है वो grassland habitat के अंदर आते हैं। तो अभी जो चीता जो नामीबिया से जो इंडिया के अंदर लाए गए हैं, उसके अंदर इंडिया के अंदर दो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोनो नेशनल पार्क है, कोनो नेशनल पार्क के अंदर ऑलरेडी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से चीता की पॉपुलेशन कम है इन कंपैरिजन टू लेपर्स, एंड दिस लेपर्स एंड चीतास आर द एपेक्स प्रेडेटर ऑफ द इकोसिस्टम, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ये एक्सक्लूसिवली टेरिटोरियल एनिमल है, यानी प्रे प्रेडेटर में भी प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप जो होगा उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों को फूड स्कैर्सिटी भी हो सकता है, और चीतास आर फास्ट रनिंग एनिमल बट दे आर वेरी शाई इन कंपेरिजन टू लेपर्ड, लेपर्ड्स आर ऑल्सो शाई, लेपर्ड्स भी एक शाई एनिमल है, बट हमने अभी देखा है कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू डोमिनेट ऑन दिस चीता, और कॉन्फ्लिक्ट और सर्वाइवल का इश्यूज हो सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है कि इंडिया के अंदर टूरिज्म एक बहुत ही जल्दी से बढ़ती हुई चीज है, इसके अंदर कोनो नेशनल पार्क के अंदर आपने भी देखा होगा कि कितने सारे मीडिया के रिपोर्टर्स पहुंच गए, और ये सब जो टूरिज्म डेवलप होगा ना, तो 2019 के बाद जो उसके आजू बाजू में टूरिज्म डेवलप होगा, जब तक दिसंबर में ये चीतास वाइल्ड में जाएंगे ना, तो लोग देखने के लिए बहुत आएंगे, और उससे एनिमल डिस्टर्ब हो सकता है, और जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा, क्योंकि ये एक एनिमल ऐसा है कि इंटर कॉन्टिनेंटल शिफ्ट किया गया है इनको, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में सब पहली बार कोई कार्निवोर ट्रांसफर किए गए हुए हैं, तो देयर कैन बी चांसेस के दिस एनिमल कैन नॉट सर्वाइव। अभी तो क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है एक महीने के लिए, तो उसके अंदर उनको खाना दिया जाता है, और जब फ्री कर देंगे तब हाँ, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ सकता है उधर, और ये टेरिटोरियल एनिमल है, दीज आर कंसिडर एज बिग कैट्स, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, चांसेस ऑफ कॉम्पिटिशन, यस यस, कॉम्पिटिशन का भी एक चांस हो सकता है। अभी आपने जैसे आगे बोला कि ईरानियन जो चीतास है
वो भी एशियाटिक चीता है, तो ये अफ्रीकन लाए हैं, तो क्यों हम उसको नहीं लाए? तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि एनिमल्स आर बीन एक्सचेंज थ्रू बार्टर सिस्टम। अच्छा, तो बार्टर सिस्टम के अंदर ईरान वांट्स गुजरात लायंस इन एक्सचेंज ऑफ चीतास, बट गवर्नमेंट डिड नॉट अग्री बिकॉज एज सच लायंस आर अ प्राइड ऑफ इंडिया, ओके, एंड दिस इज द ओनली लायन सर्वाइविंग इन दिस एशियन कॉन्टिनेंट एज वेल एज इन द वर्ल्ड, सो इट इज रियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अवर इंडियाज परस्पेक्टिव। बट आई पर्सनली बिलीव इफ ईरानियन चीताज वुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कोनो नेशनल पार्क, देयर वर हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज इन कोनो नेशनल पार्क। तो जैसे आपने बताया वैसे हम हमारे जो एशियाटिक लायंस है अभी क्या है, एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे डिसीज आया, तो एक साथ में पूरा वैनिश हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वैसे अगर बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वी हैव टू थिंक ऑन दिस टॉपिक, बट अगर हम ये गुजरात का जो लायन है, जो गुजरात के अंदर लायंस जो मिलते हैं, अगर हम उसको कोनो नेशनल पार्क में ट्रांसफर करते या उनको मध्य प्रदेश के अंदर कोलो नेशनल पार्क के अंदर हम ट्रांसफर करते, तो देर आर हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्पीशीज उधर सर्वाइव कर जाती। बट आई डोंट नो व्हाट गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन, बट गवर्नमेंट एंड द एक्सपर्ट कमिटी विच इज वर्किंग ऑन दिस एंटायर प्रोजेक्ट माइट हैव गिवन एन आइडिया और हिंट अबाउट दिस दिस इवन। जो चीताज उधर से लाए गए हैं नामीबिया से, उसके अंदर सभी एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स लाए गए हैं। यू माइट हैव, आपने काफी सारे वीडियो देखा है, उसके अंदर बताया गया है कि सब एडल्ट एज के कैटेगरी के जो भी चीताज है वो लाए गए हैं, और अभी वो लोग एडल्ट स्टेज पे आएंगे, और जब मीटिंग होगा और तो देट इज देट कैन बी द चांस कि उधर चीताज रीहैब हो सकते हैं, बट वी नीड टू क्लोजली मॉनिटर दिस चीताज। एंड अभी भी मतलब वहाँ पे कुछ मॉनिटरिंग टीम्स वगैरह रखी होंगे? हाँ, अफ्रीका से भी टीम आई गई है जो इसके ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं, उन सभी लेपर्ड चीताज को कॉलर लगाए हुए, जो सैटेलाइट से हमको इमेज देता है और लोकेशन देता है, उसका मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच एफर्ट टू मेक दिस चीता री इंट्रोड्यूस, बट आई पर्सनली बिलीव देट आर देर इज ओनली 5% चांस ऑफ दिस चीताज टू सर्वाइव इन दिस कोनो नेशनल पार्क। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, ये जैसे आपने बोला कैसे कार्निवोर को पहली बार ऐसे इंट्रोड्यूस किया है, देखते हैं आगे। श्योर, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, वी विल कम विद सम डिफरेंट आइडियाज एंड वी विल हैव सम मोर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।